सुर्खियों में रहने वाले आम आदमी पार्टी के नेता पंडित सतीश शास्त्री आखिर क्यों है आज कफा कफा। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से, मैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। हमेशा बेबाकी से बोलने वाले, सुर्खियों में रहने वाले, जब से आम आदमी पार्टी का यहाँ पर है ऑफिस बना, उसी दिन से पंडित सतीश शास्त्री ने बड़ी ईमानदारी बरती है आम आदमी पार्टी के साथ और लगातार सुर्खियों में रहते हैं। आज कुछ खफा खफा लग रहे हैं। भाई जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दीदी, हार्दिक अभिनंदन है। आज हंसी तो है, पर ये हंसी कोई झूठी नजर आ रही है, ये दिल की हंसी नहीं है, सच में। क्योंकि हम भी तो लोगों के जो भाव है उनके चेहरे के, वो कहीं ना कहीं हमें भी अब इतना आभास हो गया, हम पढ़ लेते हैं। आज आप ये आंसू देखिए इनकी आंखों के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं भैया, मेरी बात सुनिए, मैं सच्चाई में आंसू आते हैं, इसमें कोई दोराहे नहीं है। जम्मू कश्मीर में अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। आम आदमी पार्टी एक विकल्प है, थी भी, और आम आदमी पार्टी हो सकता है आने वाले समय में विकल्प हो। मेरी आम आदमी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं, क्यों निकल रहे ना मेरी भाजपा से लड़ाई है, ना मेरी आंसू लड़ाई है, ऐसे नहीं निकलते। दिल पर गहरी चोट हो तभी आंसू भी निकलते हैं। ईमानदार हैं, ईमानदार रहेंगे, वो कोई दोराहे नहीं। आम आदमी पार्टी को नुकसान देकर नहीं जा रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी से प्रार्थना करता हूं। मतलब आप जा रहे हैं पार्टी छोड़कर? अलविदा आम आदमी पार्टी, अलविदा आम आदमी पार्टी। मैं आम आदमी पार्टी को कोई नुकसान नहीं दे रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी को कोई नुकसान नहीं दे रहा हूँ, दुर्गेश पाठक जी की आत्मा को कोई ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ। एक संदेश जरूर दूंगा आपकी पार्टी को। कम से कम जम्मू कश्मीर में जो काम हो रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो लीडर आपने रखे हुए हैं, उनको सही ढंग से देखिए। आपकी पार्टी में बहुत सारे लोग बिना वेरिफिकेशन के आपने अंदर ले लिए, आपने उन लोगों को आगे लाया जो लोग बिल्कुल भी काम करने में, मानता हूँ आम लोग हैं, लेकिन लीडरशिप होना बहुत जरूरी है। मैंने अपने परिवार को दाव पे लगाया, मैंने बहुत बड़े बड़े बयानबाजी की, मेरे परिवार के सदस्य सुसाइड करने पर भी आ गए थे। मैंने आम आदमी पार्टी से, भाई आप पहले आंखों में आंसू साफ करिए। नहीं, अच्छा, आंखों में आंसू नहीं है, आ जाते हैं। मैंने 2016 में आम आदमी पार्टी के साथ उसकी सोच उसके मिला था, मेरी उनके विचारों से मिला था, और आज भी मैं मेरा जो वोट है वो आम आदमी पार्टी को ही मिलेगा। लेकिन अलविदा आम आदमी पार्टी, इतना दृढ़ निश्चय है, मैंने वोट देंगे, फिर नाराजगी क्यों है? देखिए दीदी, अरविंद केजरीवाल अच्छा आदमी है, यहाँ पर दुर्गेश पाठक जी से कुछ गलतियाँ हो रही हैं, और मैं कहूँगा हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे प्रभारी आए हुए हैं, बहुत ही मेरे किसी से लड़ाई नहीं है, गौरव शर्मा जी। किस तरह से दुर्गेश पाठक, इन्होंने अभी डिस्ट्रिक्ट बाड़ियाँ बनाई हैं, तो बहुत सारे लोग अंदर अनडिसिप्लिन देखने को मिल रहा है, छोटे छोटे बच्चों को हमारे ऊपर बैठा दिया जाता है। हमारे यहाँ पर दीक्षित गुप्ता को प्रेसिडेंट बनाया गया, उन्हें पता ही नहीं है कि प्रेसिडेंट होता क्या, अध्यक्ष होता क्या है। तो मैंने सबको सूचित कर, पहले दिन से ही मैं केंद्र में सबको सूचित करता रहा, दीदी ना ही मैंने किसी से कभी सेल्फी खिंचाई, चाहे वो हरजोत सिंह बैंस हो, ना कभी किसी की शिकायत की, ईमानदारी से चलता रहा, बेबाकी से चलता रहा कि आम आदमी पार्टी एक दिन हमें देखेगी। मैं ऐसी पार्टी में क्या करूंगा जहां पर मुझे पूछा ही नहीं जाता मैं कौन हूं। इसका मतलब बलवंत सिंह मनकोटिया जो गए हैं वो भी सही ना, कहीं ना कहीं सही थे, उनकी आंखों में भी आप ही की तरह आंसू थे। मनकोटिया ने शायद पार्टी के विरुद्ध कुछ षड्यंत्र रचने की कोशिश की थी, जिस कारण उनको जाना पड़ा, उनको निकाला गया है। आम आदमी पार्टी ने मुझे निकाला नहीं, और ना ही मैं आम आदमी पार्टी को टुकड़े टुकड़े गैंग कहूंगा। आम आदमी पार्टी को संदेश दूंगा, अगर आप अपनी पार्टी चलाना चाहते हैं केजरीवाल साहब जम्मू में, तो ईमानदार लोगों को साथ रखिए, जिन लोगों ने आपके लिए, इस तरह से परखा जाएगा कि ईमानदार कौन है। रजेश गुप्ता की तरह बेईमान नहीं हूं, आज भी वफादार हूं पार्टी का, लेकिन पार्टी में वापस नहीं आऊंगा। पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं मानता हूं, एजुकेशन को लेकर, ये जो उन्होंने सुरक्षा को लेकर, पार्टी सिर्फ एक केजरीवाल ही साहब थोड़ी चलाएंगे पार्टी के जो कार्यकर्ता, वही बोल रहा हूँ। आप लोगों के पास सुनिए, ग्राउंड रिपोर्ट सही दिल्ली में नहीं पहुंचाई जा रही है। हमारे गौरव जी बाहर के हैं, जम्मू कश्मीर को परखने के लिए अभी समय चाहिए। आम आदमी पार्टी के अच्छे नेताओं को आगे लाइए, बहुत सारे लोग अंदर से खफा है। डेमोग्राफी के बारे में, जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में, यहाँ के नेता ही जानते हैं ना, मुझे लगता है यहाँ के बारे में इन्हें अभी नॉलेज नहीं है। गौरव शर्मा जी को मैं फिर से प्रार्थना करूंगा, हमारे वहां पर एक वैभव तिवारी हैं, आईटी से हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा,
आप सोचेंगे सतीश शास्त्री मीडिया पर आ गया और हमारी पार्टी के लिए बोल रहा है, मैं इतना गर्दार आदमी नहीं हूँ। मैंने जब भी आदान प्रदान किया है लोगों की जनता के लिए किया है। मैं यही कहूँगा यहाँ के सिस्टम को अच्छे हाथों में दीजिए, अच्छे लोगों के हाथों में दीजिए, चाहे वो नया व्यक्ति हो। इसे समझिए, सबकी सुनिए। हर आदमी काम छोड़कर वहाँ आता है कि आज जम्मू कश्मीर के हालात अच्छे हों। आपसे सतीश जी, आप इतने दृढ़ निश्चय के साथ पार्टी में गए थे, आखिर क्या कारण जो आप आज पार्टी को अलविदा कह रहे हैं? आपने तो ये कहा था कि मुझे कोई भी पोस्ट नहीं चाहिए। आपने कहा आपने कहा था मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, मैं एक वॉलंटियर की तरह काम करूंगा। आज आप ही कह रहे हैं कि हमारे ऊपर छोटे से बच्चे लाकर ओहदे देकर बिठा दिया। मुझे मैं वही कह रहा हूँ ना, हमें ओहदे नहीं चाहिए, हम वॉलंटियर बनकर काम करेंगे, हमारे पे कोई काम नहीं करेगा। पार्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया, मैं अनडिसिप्लिन मैं नहीं हूँ, मैं अनुशासन से काम कर रहा हूँ। अनुशासन का अगर कोई मीडिया कर्मी मुझे बता दे कि मेरे अंदर अनुशासन नहीं है, दीदी आप मुझे बेहतर जानती हैं और बारे सभी मुझे अच्छे ढंग से जानते हैं। मैं हाँ ये जरूर है, अगर कोई गलत करेगा तो मैं सच के लिए लड़ूंगा, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, पीडीपी हो, एनसी हो। हमने कौन सा नगर निगम का चुनाव लड़ना था, जहाँ कोई पार्षद के रूप में आगे आना था, या कोई मेयर डिप्टी मेयर बनना था, जहाँ हमें कोई मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनना था, या कोई मंत्री बनना था। गलत आपसे बर्दाश्त नहीं होता, ये चीज गलत हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी बहुत बढ़िया है, इसके सिस्टम में कमी है। जो सिस्टम है शायद मैं मीडिया पे आने का यही कारण है, अलविदा आम आदमी पार्टी। अब मैं आप मुझे आम आदमी पार्टी में नहीं देखेंगे। यानी आप अलविदा पूरी तरह से कर दिया आपने। देखिए मैं क्योंकि बलवंत सिंह मनकोटिया जी भी कहते थे मेरे अंदर का जिन जाग गया, लगता आज मैं आपके अंदर का जिन देशभक्त आदमी हूँ। मैंने पहले बड़ी बात बार मीडिया पे बोला है, चाहे एनसी हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, अन्य दल रीजनल क्षेत्रीय पार्टियां, ये सभी देश की सेवा के लिए बनी हुई है। जो अच्छा नेता जहां काम करता है उसकी उसकी छवि अच्छी रहती है। हाँ, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह एजुकेशन सिस्टम को परिवर्तन में लाया, वहां पर परिवर्तन जो था देखने लायक था। वाकई बाहर से अमेरिका से एक महिला आती है, मैंने उनका नाम तो नहीं जानता, लेकिन उनको दर्शाया गया था, मैं भूल गया हूँ दीदी। तो मैं ये कहूँ, मैं छोटा पॉलिटिशियन सही, मेरा सफर छोटा सही, लेकिन जाग जाओ ए राजनेताओं, लोगों के साथ खिलवाड़ मत करो खिलवाड़, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे एनसी हो, पीडीपी हो। हर बार बड़े नेता यहाँ आएंगे और हमारा मुंडन करके चल जाएंगे, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। मैं भारतीय हूँ, डोगरा नहीं, डोगरा के साथ भारतीय हूँ। आम आदमी पार्टी के नेता उसे मैं कह देता हूँ, बड़े नेता को, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खिलवाड़ मत करो। छोटे छोटे लोगों को जिनको राजनीति के विषय में नॉलेज नहीं है, पुराने लोगों को छोड़कर, 2016 में आम आदमी पार्टी की सोच से जुड़ा था मैं। मैं आज भी सभी पार्टियों का विरोधी हूं, सभी पार्टियों ने। आंसू क्यों, आप दिल की दुख दीदी, हम दिल से जुड़े हुए हैं, हम दिल से जुड़े हुए हैं। हमें जनता से प्यार मिलता रहता है, गालियां मिलती हैं क्योंकि आदान प्रदान चलता है, लेकिन आज जो हुआ, मैंने बार बार ऊपर सबसे बड़े नेताओं से सूचित किया, अगर आपको हमारी जरूरत नहीं है आप टर्मिनेट कर दें हमें, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन पार्टी के सिस्टम को सुधार लो, अरविंद केजरीवाल की सोच डूब जाएगी। एक अकेला आदमी पूरे देश में नहीं लड़ पाएगा, आप लोग मजबूर करते हो दूसरी पार्टियों में जाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी में था व्यक्ति ने चुटकी मारी, हमसे बर्दाश्त नहीं हुई। ये नेता लोग हम लोगों को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को, एनसी के हो, पीडीपी के हो, ये सभी दल इस्तेमाल करते हैं ईमानदार लोगों का। आंसू किस लिए आ रहे, पार्टी को अलविदा कहने के लिए या कहीं ना कहीं? मुझे इस पार्टी से बहुत लगाव था, अपेक्षा कोई नहीं थी। अगर अपेक्षाएं होती तो बड़े बड़े दंदरों को हम नहीं ललकारते, ना अरविंदर जी को ललकारते, ना मनकोटिया साहब को ललकारते। ये तो मेरे भाई हैं, जम्मू कश्मीर में हमें रहना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार की नीतियां यहां पर लाई जा रही हैं, जहाँ पर जम्मू कश्मीर में आम लोगों को, अगर ये आम लोगों की पार्टी है अरविंद जी, अगर ये आम लोगों की पार्टी है दुर्गेश पाठक जी, जम्मू कश्मीर के जो इंचार्ज हैं हरसोत सिंह बैंस जी, मैं आज सत श्रीकार करना थानू, पार्टी की सही खबर लो। हो सकता मैं भी क्रिमिनल हाँ, लेकिन थोड़ी पार्टी च मेरे को भी बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, लेकिन मैं थोड़ा एक गल सुना दिना,
पार्टी की एक्टिविटी अच्छी नहीं जा रही, तुसी माइनस 50 ते आ गए हो। भारतीय जनता पार्टी तो प्रधानमंत्री की वजह नाल चल रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं, पार्टी को चलाना है, एक अच्छी पार्टी थी, इसमें अरविंद जी की सोच अच्छी थी, इनकी आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है। मैं यही कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ, जैसे वो कहते हैं सबका साथ, आपका भी तो ना किसी और पार्टी की तरफ जाने का या न्योता आ गया या जाने का आपका रुझान हो, तभी आप मेरा कद इतना बड़ा नहीं है कि मुझे कोई पार्टी बुलाएगी, मेरा कद इतना बड़ा हर हर व्यक्ति का, हर जनता का कद होता है, ऐसी नहीं, बात नहीं है। हम ये नहीं कहते कद नहीं है, नहीं, मैंने कद आपके काम से, आपके मैं नया आदमी था, मैं काम के लिए मुझे कोई भी बुलाए, कहीं हॉस्पिटल में जरूरत है, मैं सीधा कहता हूँ कहीं भी जरूरत है मैं उनके साथ खड़ा हूँ। फिर से आपको बुलाएंगे बात करने के लिए तो आप जाएंगे? देखिए दीदी, बात जरूर करेंगे, उनको बोलेंगे सिस्टम ठीक करो। मैं तो आम आदमी पार्टी में सिर्फ काम करने के लिए आया था कि हम लोगों के मसले हल कर सकेंगे। मुझे क्या है, PHE में फोन करेंगे पानी आ जाएगा, लोगों की मदद करनी है, नहीं तो अपने जेब में से अगर कुछ होगा तो खर्च कर पानी, लोगों को क्या चाहिए, मूलभूत सुविधाएं, पानी, बिजली। तो आप कह रहे हैं कि जो नीतियां आम आदमी पार्टी की जम्मू में वो कहीं ना कहीं सही नहीं चल रही हैं। केंद्र में अच्छी हैं, वही नीतियां हैं। हम जम्मू कश्मीर की बात, अंदर के सिस्टम में, केंद्रम की बात, संगठन की बात करें, संगठन के जम्मू कश्मीर की बात करें, संगठन जो बनाया जा रहा है जी, वही तो हमने दिल्ली में थोड़ी जाना। मैं आम आदमी पार्टी को ये सूचित कर रहा हूँ कि चुनाव पास है, जो संगठन बनाया जा रहा है इसमें आप शून्य हैं और शून्य हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर सरकार बना लेगी क्योंकि उसे मौका मिल रहा है, विपक्ष में है। आज तारीफ कर रहे हैं भाजपा नहीं पार्टी की, मैं तो नहीं, बल किसके लिए, सतीश पंडित जी भी चले गए, सतीश शास्त्री कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएगा, ये तो मनकोटिया जी भी कहते, सारे ही कहते, मैंने बोल दिया बाद में जाने में 2 मिनट। मैं आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर हूँ, आज बेसिक प्राइमरी मेंबरशिप से मैं इस्तीफा, आपकी मेंबरशिप हुई थी क्या? मेरी मेंबरशिप, मैं अभी अर्बन डिस्ट्रिक्ट में हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ जी, ठीक है ना। मनकोटिया साहब ने कहा था ना मेंबरशिप नहीं थी, इस्तीफा कैसा टर्मिनेशन मेरी, मैं गरदार नहीं हूँ, मैंने पार्टी का नमक खाया। कहने का मतलब क्या, वो गरदार थे मनकोटिया? मैं पार्टी, मैं मनकोटिया को नहीं जानता, मैं अपनी बात करूंगा, मैं 2 बार विधायक नहीं रहा हूँ, ना ही कहीं नगर निगम पार्षद, हाँ नगर निगम पार्षद का चुनाव जरूर लड़ा है, उसके बावजूद भी जनता के साथ जुड़ रहे हैं। मैं यही कहूंगा कि पार्टी के सिस्टम को चेंज करो, नहीं तो आपकी पार्टी अगर चेंज हुआ तो आप चले जाएंगे, डूब जाएंगे। मैं अब नहीं जाऊंगा, मुझे मेरा शौक पूरा हो गया राजनीति, क्योंकि दीदी आहदे ना किसान जन आधार के साथ अंजन आधार बढ़ रहा था शुरू में पार्टी का, अब सही कहा ना, मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो, आहदे एक बारी, दो बारी, त्रै बारी, सप्प की दुध पिलाना एक बारी, दूसरी बारी पिलाना, त्री बारी सप्प डंगने ही होवे ना, तुसी डांगे दियां सुटनियां, ओदी तरफ इशारा करा दे जिन्हें भी लीडर ने आम आदमी पार्टी तरफ करा। देखो मैंने कहा मैं आम आदमी पार्टी में अनुशासन नहीं बिगाड़ना चाहता, आपने खुद ही तो कहा ना, देखो मैं तुझे दूध पिलाऊंगी साड़ी नहीं, देखो मेरी गाल सुनो, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली का इतने थोड़ी दिखा दे, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली से बैठकर जहां नहीं देख रहे, ड्यूटी मनीष सिसोदिया जी यहां नहीं देख रहे, ड्यूटी CM, ठीक है ना। तो शब्दों में ऊपर नीचे बात हो सकती है, थोड़ा सा घबराया भी हूँ कि क्या कह रहा हूँ, क्यों, क्या दबाव, देखिए दबाव क्या, चीज का प्रेशर। देखिए दीदी, 3 वर्ष हमने आम आदमी पार्टी को दिए, कभी किसी पार्टी में तो आंसू आ रहे हैं, ईमानदारी से है पार्टी में बेबाक बोलते हैं, अगर गलत होता है तो नहीं मानते हैं, ठीक है ना। आम आदमी पार्टी को गलत यूज किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के, हो सकता है आज आपने कहा कि मैंने अलविदा, थोड़े बैक डेट की आपका टर्मिनेशन पहले ही अपलोड हो जाएगा, ऐसे हुआ था ना जब मनकोटिया साहब की बात हुई थी, बात सुनिए, टाइम नोट कर लीजिए, बिल्कुल टर्मिनेट करेंगे तो ग्रुपों में आ जाएगा, हाँ, बिल्कुल। तो टर्मिनेट करते हैं तो मुझे, मैंने खुद इस्तीफा दे दिया, उन्होंने निकाला मैं निकल गया, उसमें कोई फर्क नहीं। अगर मैंने ईमानदार से कहा है, ईमानदार है ये पार्टी, मैंने कहा ना, तो मुझे टर्मिनेट करेंगे तो फिर आम आदमी पार्टी बेईमान है, बिल्कुल। जब मैं खुद अपनी बिल्कुल बेसिक मेंबरशिप से, यानी कि सिर्फ आप ईमानदार थे पार्टी में, दीदी होंगे बहुत सारे ईमानदार हैं जो रो रहे हैं, वो तो पार्टी आने वाले दिनों में वो भी छोड़ने वाले हैं कि आम आदमी पार्टी अलविदा कहने वाले हैं। देखिए दीदी, मैं फिर से अरविंद जी को संदेश दूंगा, अपने प्रभारी ये सोचेंगे मैंने पार्टी के विरुद्ध, पार्टी जी का नाम क्यों ले रहे बार बार, उनका उन्होंने क्या किया, क्योंकि पार्टी को देखना उनका काम था, जम्मू कश्मीर के इंचार्ज है, प्रभारी कश्मीर की डेमोक्रेसी के बारे में पता है, एक आदमी मुनीष सिन्हा जिसने जम्मू में पार्टी का ग्राफ बढ़ाया, बिल्कुल मुनीष सिन्हा जैसे ईमानदार आदमी को उठाकर दिल्ली में फेंक दिया गया जी। प्रदीप मित्तल शून्य आदमी थे, उनको काम करना नहीं आता था और मुनीष सिन्हा को उठा लिया गया। ओम प्रकाश खजूरिया ठीक ठाक कन्वीनियर थे, राय कुमार निश्चल एक अच्छा सेक्रेटरी था पार्टी में,
अच्छे वाली पार्टी चल रही थी, पार्टी डिसॉल्व करने की जरूरत थी, तो कम से कम संगठन में पहले से तैयारी रखनी चाहिए थी। एक संगठन बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए जो पहले का संगठन तैयार हुआ था वो टूट जाएगा। यानी साफ तौर पर कहा जो हवा चली थी अब फुसकी बम हो गया ये आम आदमी पार्टी। देखिए दीदी ऐसा तो नहीं कहेंगे, पार्टी फिर से नहीं लग रहा ना, जैसे हवा लीडरशिप ही नहीं होगी पार्टी की, अब फुसकी बम हो गया। मैंने पहले बोला मैं आम आदमी पार्टी से धोखा नहीं कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी में मैंने बहुत सारे बड़े नेताओं से मिलने की कोशिश की। चलो सतीश शास्त्री जीरो आदमी होगा, अच्छा नहीं होगा, सारी जनता, लेकिन कम आप बहुत अच्छे इंसान है दीदी। आज आपके आंसुओं ने साफ तौर पर बयान किया आप किस कदर पार्टी के साथ तक आप पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, पर कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से आपका दिल दुखा, मैं सभी आंसू जो दुखा सभी आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स को कहूंगा आप वहां रहिए, हो सकता है मेरे से बर्दाश्त ना हुआ हो, क्योंकि मुझे वैसे भी कहा जाता है एक विवादित बयान देता नहीं, है आप तो चर्चाओं में रहती है आम आदमी पार्टी, आप ब्रांड एम्बेसडर बन गए हो। नहीं दीदी आपको जानता है आम आदमी, मैंने राजेश गुप्ता की तरह अपने मनकोटिया साहब की तरह पार्टी को ना ही बागड़िया कहा है, मैं आज भी कहूंगा हम देश कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक एक है, कोई भी पार्टी हो देश के अंदर वो सब राष्ट्रभक्त होते हैं। कश्मीर में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, दिन अलविदा हो रही है, देखिए छोड़ रहे हैं पार्टी, आएगी पार्टी ऐसा नहीं है, कहाँ से आएगी, आसमान से आएगी क्या, आएगी पार्टी ये भी आएगी बाहर, देखिए दीदी आप ग्राउंड लेवल पर काम करेंगे तभी मैं ना मैं एक सच्चा आदमी हूँ, कभी भाजपा आती है कभी बीजेपी, कभी भारतीय जनता पार्टी आएगी भाजपा, कभी आम आदमी पार्टी आएगी, तो कह रहे थे हम भाजपा को टक्कर पूरी तरह से देंगे, तो अभी भी लग रहा है कि कोई नहीं है टक्कर में, साफ तौर पर अरविंदर दीदी मैंने खुद बोला मेरा वोट आम आदमी पार्टी को पड़ेगा, खुले कोई व्यक्ति बता दे अपने मतदान को मैं डालूंगा अरविंद केजरीवाल को वोट, क्या बात है भाई मैं डालूंगा, मैंने कोई विरोध नहीं किया पार्टी का, बस पार्टी के सिस्टम को ठीक करने लिए बोला है, मैंने अपनी कुर्बानी दी है बेसिक प्राइमरी मेंबरशिप से, अगर सतीश शास्त्री किसी पार्टी में नजर आ गया, ये हमारी जनता आपके लिए सवाल पूछ रही है कि आप इनसे पूछिए गद्दे वाला, आपने कहा था अगर भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें ले जाएगी मैं गद्दे पर बैठूंगा, समय हो चुका है भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं कराएगी, अगर गद्दे पर करवाएगी, अगर दीदी अगर आपके मन को सुकून मिलता है तो मैं विशाख नंदन की सवारी करूंगा, मेरी बहन ये मेरा सवाल नहीं है ये जनता का सवाल, बिल्कुल आप मैं पक्का बैठूंगा अगर आप कहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त के बाद जो झूठे वादे जम्मू कश्मीर में किए थे, हिम्मत भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री तो अच्छे हैं, गृह मंत्री तो अच्छे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सारे लीडर निकम्मे हैं जम्मू में, जैसे जैसे आम आदमी पार्टी, मैं कहता हूँ जो FIR लगानी है मेरे पे लगाए भारतीय जनता पार्टी, जैसे आम आदमी पार्टी लगाए PDP NCP कांग्रेस, ये सारे नेता चोर हैं, सारे नेता चोर हैं, इन नेताओं की वजह से हम लोग मर जाते हैं, हम पे कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो ये नेता पिछड़ जाते हैं, गरीब आदमी पिसा जाता है, हम लोगों को टारगेट किया जाता है, ये राजनीतिक दल किसी गरीब व्यक्ति को नहीं आने देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने, मैं आज भी अपने बयान में खड़ा हूँ, अपनी हिम्मत से IRS अफसर की नौकरी छोड़ी थी और वहां आए थे, मैं अरविंद केजरीवाल की सराहना करता हूँ जिसने केंद्र में रहकर दिल्ली के अंदर सरकार बनाई, 3 बार प्रधानमंत्री जी को टक्कर दी और प्रधानमंत्री जी भी कुछ नहीं कर सके, भारत के अगर प्रधानमंत्री तेजस्वी हैं तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ही तेजस्वी है, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी, कश्मीर में कुछ वर्चस्व नहीं दिख रहा, मैं सबको कहता हूँ जम्मू कश्मीर में मानते हैं ना फेल है आम आदमी पार्टी, देखिए दीदी सरकारें फेल कब होती हैं, जब वो ध्यान नहीं देते, सवाल कर रहे हैं ना आपने, कहा प्रधानमंत्री जी अच्छे हैं काम कर रहे हैं, पर वही बिल्कुल केंद्र इसी तरह केजरीवाल जी केंद्र में कर रहे हैं ना, दिल्ली में कर रहे हैं काम, जम्मू कश्मीर में कौन करेगा ना, वही तो कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफी जिनको पता नहीं वो क्या करेंगे जम्मू कश्मीर, पहले सबसे पहले तो मैं 370 की बात नहीं करूंगा, कम से कम हमारी स्टेट को वापिस करें, हमें हक दें, हमें हक दें, ऐसे दिलवाएंगे आम आदमी पार्टी, वो भी तो कह रहे थे आप मिलना चाहिए, दीदी देखिए हक राजनीतिक पार्टियां नहीं दिलाती, युवा रायपुर सभा ने लड़ाई लड़ी उसमें अगर वो नौजवान हिम्मत नहीं रखते, जो हैप्पी जी राजन सिंह हैप्पी हिम्मत नहीं रखते, आज क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी लेगी, मैं कहूं जी भारतीय जनता पार्टी अच्छी है, PDP अच्छी है, मेरी आम आदमी पार्टी से अगर अंदरूनी लड़ाई थी, मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी, अरविंद केजरीवाल तक ये संदेश, हरजोत सिंह बैंस तक मेरा संदेश है, और सब पार्टी की गतिविधियों को ध्यान रखिए, आपकी पार्टी को मिसयूज किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, अगर आपने ध्यान नहीं दिया ऐसे कई स्तीश आएंगे कई चले जाएंगे, हमने पार्टी के लिए दिन रात काम किया, बट्टी जी की बात करें वो भी चले, देखिए मुझे किसी का नहीं पता, अगर आम आदमी पार्टी आज बड़े लीडरों को लेकर आज आपने कह दिया कि आम आदमी पार्टी आम इंसान की थी, पर नहीं लग रहा आज, लग रहा है आम आदमी पार्टी में भी वही चेहरे ले रहे हैं, मैंने आपको कभी कहा मैं बड़ा नेता हूँ, नहीं बात कर रहे हैं आपकी, नहीं बात कर रहे हम,
ठीक है, कहा गया था एक आम इंसान की, हर कोई नेता आम आदमी पार्टी में घुसा हुआ है और आने वाले समय में लगता वो भी अलविदा कह देंगे। मुझे किसी के विचारों का क्या पता, बड़े साफ तौर पर आपने कह दिया आम आदमी पार्टी को अलविदा, अलविदा है और मैं किसी और पार्टी में नहीं जाना। पन्नों में लिखकर पार्टी को दे चुका हूँ, किस कारण में मैंने कोशिश की पार्ट, मैंने इससे पहले जज्बाती हो चुका था, मैं बड़ी कल से मैं डिप्रेशन में, पहले अपनी कोर्सेज ज्वाइन दिया, रेजिग्नेशन दिया, त्याग पत्र दिया और मैंने कहा कि अभी मैं इस संगठन में काम नहीं करूंगा, मैंने पार्टी को बोला। लेकिन शायद पार्टी को शायद ऐसा लग रहा है कि मैं पार्टी के विरुद्ध हूँ, वो सोचते हैं मैं आरएसएस और भाजपा का बंदा हूँ, पहले मैं भारत का बेटा हूँ, भारत का बेटा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब इस देश की संतान है, मेरी आवाज ऐसी ही रहेगी। मैं किसी पार्टी के साथ हूँ ना ही कोई पार्टी बनाने जा रहा हूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरी जेब खाली होती है, लेकिन पार्टी के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी, पार्टी को हमारी ईमानदारी पर शक रहा। आप टर्मिनेट करें ना करें, मैं कुछ भाई भाई पार्टी में बहुत सारे नेता, बहुत सारे नेता हॉनेस्ट हैं, अगर आम आदमी पार्टी उन्हें नहीं संभाल पाई तो निसंदेह उनको झटका लगेगा। लगे मतलब कह दिया आपने, पांच भाजपा नहीं लगता आम आदमी पार्टी की दो भी नहीं। देखिए मुझे, मैं पार्टी के, देखो मैं पार्टी का कोई कर्ता धर्ता नहीं हूँ, मैंने पार्टी को अपनी सफाई में मैंने विरोध किया है, पार्टी को समझ आनी चाहिए, पार्टी के अंदर षड्यंत्रकारी बैठे हुए हैं जो आपको मीठे लॉलीपॉप दे रहे हैं और आप सोच रहे हैं वो पार्टी का हित चाहते हैं, तो आपकी पार्टी कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये भी आपकी पार्टी में जो भी जिस तीव्र गति के साथ आम आदमी पार्टी में लोग गए थे, सुनिए होंगे, शास्त्री पार्टी का गिरदार नहीं था, आपकी पार्टी में अभी भी गिरदार बैठे हुए हैं, अपनी पार्टी को संभाल लीजिए। मैं जाते जाते कह रहा हूँ, आपकी पार्टी को गंदा नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मतलब आप चेतावनी दे रहे हैं कि गद्दार बैठे हुए हैं पार्टी में, उन्हें ढूंढिए, मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, उन्हें ढूंढिए, कोई किसी उनका विश्लेषण कीजिए, उन पर एनालिसिस कीजिए, कहीं पार्टी टूट ना जाए। और ये मत सोचिए सतीश शास्त्री को आप भारतीय जनता पार्टी ने बुला लिया एनसी ने पीडीपी में, सतीश शास्त्री इतना सस्ता आदमी नहीं है, मैं तो ज्योतिष कुंडली देखकर अपना गुजारा कर लूंगा, मुझे लोग जानते हैं, गालियां चलती हैं, अरदान प्रदान है। आम आदमी पार्टी के सितारे ठीक नहीं चल रहे हैं। नहीं, आम आदमी पार्टी वाकई दीदी एक बात कह दूं, पार्टी हॉनेस्ट है। पार्टी किससे होती है भाई, लोगों से होती है। नहीं, एक तरफ से कहते हो आप गद्दार हैं पार्टी में, तो क्या पार्टी, पार्टी का नाम गद्दार है? हमारे जो यहाँ से दिल्ली से कैबिनेट मंत्री आए हरजोत सिंह बैंस, ईमानदार हैं, वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो ईमानदार हैं, लेकिन पार्टी से नहीं। ये तो नहीं कि आप भी किसी वॉशिंग मशीन में धुलने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो मशीन सिर्फ भाजपा के पास है, कोई दुराही नहीं कहने में। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सतीश शास्त्री को कभी खरीद नहीं सकती, धुला नहीं सकती, मशीन अंदर करवा सकती। धन्यवाद, आईडी। चलिए ध्यान रखिए भाई हमारा, हम कहेंगे आप इसी तरह से जनता की सेवा करते रहिए, खुश रहिए, दुखी नहीं होना भैया। धन्यवाद। ये सियासत का क्या है, नाम ही बदलाव है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पंडित सतीश शास्त्री जी, जो आम आदमी पार्टी की बड़ी कर्मठ और बड़े ही मेहनती कार्यकर्ता है, जिन्होंने कहा था मुझे पद की निष्ठा नहीं, बल्कि मैं अपना काम एक वॉलंटियर के तौर पर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। ये केजरीवाल जी की ईमानदारी और उनकी नीतियों को देखकर पार्टी में आए थे, पर आज इनके आंसू साफ तौर पर, इनके दर्द का, दिल का दर्द जो इनके आंसू बनकर बयान कर रहे थे, किस कदर पार्टी की नीतियों से ये खफा हैं और किस कदर इनके दिल को ठेस पहुंची। और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में गद्दार बैठे हुए हैं। अब वो कौन है गद्दार, ये हम भी नहीं जानते, मे भी समय आने पर सामने भी आ जाए वो गद्दार कौन है। लगातार जिस तरह से जनाधार पार्टी का बड़ा था, समय चलते चलते वो जनाधार अब कम होता जा रहा है। यही पंडित सतीश शास्त्री जी से जो लोगों ने टोपियां छोड़ी, थैंक यू, ये आम आदमी पार्टी की टोपी है, इससे मुझे रिस्पेक्ट मिली है, मैं इसको मानता हूँ। मैं पार्टी से, मैं अपनी ईमानदारी से किसी भी पार्टी के किसी मैंडेट को मैं कभी भी नुकसान नहीं दूंगा। अलविदा आम आदमी पार्टी, जय हिंदू, जय भारत, जय मुस्लिम, जय सिख, जय ईसाई। क्या बात है।
देखिए ये होती है एक डिसिप्लिन, यानी कि वाकई जो सच्चा इंसान होता उससे गलत बर्दाश्त नहीं होता। मे भी पार्टी में ऐसा कुछ चल रहा हो जैसा दुर्गेश पाठक जी का उन्होंने नाम लिया, जो लोग एक तरफ से सही भी, जिन लोगों को जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी के बारे में पता नहीं, वो अगर आकर यहाँ पर इस तरह की चीज़ें करेंगे तो इंसान दुखी तो होगा। यानी क्या लगता है, आम आदमी पार्टी जिस तरह से एक विकल्प बनकर उतरी थी, आए दिन आम आदमी पार्टी का जनाधार घटता जा रहा है और भाजपा का जनाधार बढ़ता जा रहा है। जो पार्टी ये कहती थी कि हम भाजपा 5 सीटें भी नहीं लेगी, क्या लगता है आज खुद ही 5 सीटों, यानी 5 की तो छोड़िए 2 सीटें भी लेना अब उनके लिए दुश्वार हो चुका है आम आदमी पार्टी। आखिर क्या वजह है? साफ तौर पर सतीश शास्त्री जी ने कहा कि पहचानिए उन लोगों को, पहचान कर सामने लाइए जो लोग इस समय, यानी कि लोग षड्यंत्रकारी पार्टी के अंदर हैं। खैर हम तो नहीं जानते, ये अनुभव तो सतीश शास्त्री अच्छी भली भांति जानते, पर ये कहेंगे कि आम आदमी पार्टी का बुरा वक्त लगता है शुरू हो गया है। आप अपने कमेंट में क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखिए। इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए। जुड़ रही ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।